हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ पराठे के साथ दाल माश। और ये दाल माश जो है वो मैंने कल बनाई थी। सो अगर आपको रेसिपी चाहिए, क्विक सी रेसिपी, तो आप मेरे चैनल में जो कल की वीडियो है उसको चेक करें। सो आपको वहाँ से एक ईजी सी रेसिपी मिल जाएगी दाल माश की। और साथ में मैं बना रही हूँ चाय। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, जिसमें वीलॉग्स भी हैं, रेसिपीज़ भी हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी जो है वो वेट लॉस और एक्नी और स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। आपने जस्ट प्ले लिस्ट को जो है वो विज़िट करना है, वहाँ से आप इजीली जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, जल्दी से कर दें। और वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बनाने लगी हूँ चिकन। हाँ, ये चिकन का नॉर्मल कोरमा टाइप, सालन टाइप बना रही हूँ। सो इसके लिए मैंने जो है इस पे प्याज थोड़ा ज़्यादा जाएगा। मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज को चॉप कर लिया और साथ में ही जिंजर गार्लिक को। अब ये जब अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। तब तक मैं इसको कुक करूँगी और फिर मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप में चिकन ऐड करूँगी। और ये जब प्याज जो था उसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन सा हो गया, गोल्डन, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था चिकन। और चिकन को थोड़ा सा भुना मैंने इसमें, जब उसका कलर चेंज हो गया तो उसमें ये मैंने जो है मसाले ऐड कर दिए। ये सारे जो है वो घर के मसाले हैं। इसमें सॉल्ट ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून के अराउंड। और इसमें मैंने ऐड की है रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड की है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून के अराउंड काली मिर्च ऐड कर दी है। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। और यहाँ पे मैंने दही रखा है और इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगी विस्क और फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी इसमें, ये जो कढ़ाई में मसाला है इसमें ऐड कर दूँगी। और ये जब इसमें मैं चिकन में मसाले ऐड कर लिए थे उसके बाद उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। और उस पर मैंने 1 कप के अराउंड जो है वो योगर्ट जो है उसको फेंट कर इसमें ऐड कर लिया। और देन मैंने इसमें 3 से 4 टमाटर दरमियाने साइज के पील ऑफ करके उनको मैंने चॉप कर लिया और इसमें ऐड कर लिया। अब मैं जो है इसको कवर करके पकाऊंगी और तब तक ये जो टमाटर हैं, क्योंकि ये पील ऑफ किए हुए हैं तो ये भी गल जाएंगे, और बाकी जो है चिकन जो है वो भी अपने ही पानी पे, दही और टमाटर इस सब में जो है वो भी कुक हो जाएगा। और अब चिकन जो है वो इस फॉर्म में आ गया है। इसको जो है वो अभी मैंने कुक करना है, थोड़ा सा और जो है वो भूनना है। जब इस पे ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो देन आपने इसमें इसको जो है वो टमाटर भी तब तक गल जाएंगे। देन आपने इसमें जो है अपनी मर्ज़ी से जितना आपने इसमें जो है वो ऐड करना है वाटर, वो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप एज इट इज़ खाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो अभी ये थोड़ा और कुक होगा और उसके बाद में इसको नेक्स्ट स्टेप में जो है वो और कुक करूँगी। और ये देखें, जब वो भुन गया था चिकन तो मैंने उसमें पानी डाल के उसको जो है वो कुक करने के लिए रख लिया था, ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए और इसकी थोड़ी सी जो है शोरबा या यखनी जो भी है वो भी बन जाए। अभी मैं इसको जो है वो थोड़ा सा और कुक करूँगी, ताकि जो है वो जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना इसकी जो यखनी है वो रह जाए। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को है जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस और व्लॉग्स जो है वो देखने को मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।